मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो इस छोटे से वीडियो में एक सवाल है। अपने पिताजी के पास पत्र लिखते हुए छात्रावास जीवन के बारे में बताएं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। एग्ज़ाम का पूछा हुआ है, जैसे अपना एड्रेस लिखें 29 अगस्त 2021। ओके, सबसे पहले लिखा गया, पूजनीय पिताजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम, या सादर चरण स्पर्श आप लिख सकते हैं। आपका प्यार भरा पत्र मिला, पत्र न पढ़कर दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग होने खुश होना होता है। आशा करता हूँ कि घर पर सभी अच्छे होंगे। मैं भी अपने छात्रावास में काफ़ी अच्छा और खुश हूँ। यहाँ का नियम कानून सभी बहुत अच्छा है। समयानुसार नाश्ता, दूध, भोजन, स्वच्छ पानी आदि उपलब्ध हो जाता है। छात्रावास के मित्रगण भी काफ़ी सराहनीय हैं, जो मुझे अपने सगे भाई के जैसा मानते हैं। आप मेरे विषय में किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल ना करें। समय मिलते ही पुनः पत्र लिखूँगा। माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। छोटे को आशीष, ऐसा दे सकते हैं छोटे को प्यार। आपका प्रिय पुत्र अमन कुमार एक उदाहरण है। पता अपना लिख देना है जो भी है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं। और भी सवाल जो पत्र से रिलेटेड है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक सवाल छोटा सा है, ये है पत्र संबंधित। अपने मित्र को एक पत्र लिखकर ना अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं। यह एक अनौपचारिक पत्र है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, क्लास 12th के विद्यार्थी या किसी क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सवाल है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता को एक पत्र लिखें। तो सबसे पहले देखिए, लिखने वाला का एड्रेस, मेरा एड्रेस संपाचक पटना 7, तारीख 1 ले लिए।